यूपी के उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, वहीं दाखिल करने की अंतिम तारीख 25 अक्टूबर है। यूपी के 9 सीटों पर चुनाव होगा, इनमें से एक सीट प्रयागराज के फूलपुर सीट भी है। 13 नवंबर को जिले में 453 स्थलों पर मतदान होगा, जिसमें से फूलपुर विधानसभा के 4,07,366 मतदाता वोट करेंगे। चुनाव आयोग की घोषणा के साथ ही संगम नगरी प्रयागराज में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गया है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रवीण पटेल विधायक बने थे, लेकिन 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज कर संसद बन गए। इसी के साथ ही फूलपुर सीट खाली हो गई थी। अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन को जोरदार झटका देते हुए यहां से मुस्तफा सिद्दीकी को अपना प्रत्याशी बनाया है। दरअसल ऐसा माना जा रहा था कि कांग्रेस यहां से अपने प्रत्याशी की घोषणा कर सकती है, वहीं फूलपुर सीट पर बीजेपी और बसपा ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की। सपा समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने बताया कि 10 में से 9 सीटों पर इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए श्याम लाल पाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी भयवश एक सीट पर चुनाव नहीं कर रही है, इसके लिए चुनाव आयोग पर दबाव बनाकर रोका गया है, क्योंकि वो सीट भी समाजवादी पार्टी जीत रही है। मिल्कीपुर चुनाव पर उन्होंने कहा कि मिल्कीपुर का कैंडिडेट भी समाजवादी पार्टी ने घोषित कर दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव से डर रही है, इस वजह से मिल्कीपुर सीट का चुनाव नहीं हो रहा है। 20 तारीख तक इंडिया गठबंधन के बचे हुए सभी प्रत्याशी सामने आ जाएंगे। इलेक्शन की सूचना आ चुकी है, हम लोग पूरी तरह से इंडिया अलायंस के माध्यम से चुनाव लड़ेंगे और सभी 10 में जो 9 सीटों का चुनाव आयोग कराने जा रहा है, उन 9 सीटों में इंडिया अलायंस की सीट होगी और भयवश मिल्कीपुर का चुनाव नहीं करा रहे हैं, जबकि हमने मिल्कीपुर का चुनाव जो होगा उसमें अपना कैंडिडेट भी घोषित कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव से डर रही है। अभी तक कुछ सीटों पे कैंडिडेट नहीं घोषित किए गए हैं, तब तक कर देंगे क्या? 20 तारीख तक उम्मीद रखें कि सभी कैंडिडेट्स सामने आ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को ये समझना चाहिए कि ये देश बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान से चलना चाहिए और उन्होंने देश में सांप्रदायिकता का जहर घोलने का काम किया, कहीं हिंदू के नाम पर, कहीं मुसलमान के नाम पर, कहीं पर अन्य धर्मों पर भी इन्होंने लांछन लगाने का काम किया, एक जात को दूसरे जात में बांटने का भी काम किया, जबकि समाज से समता, समानता और बंधुत्व का जो एक संदेश होना चाहिए वो संदेश पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी उसको खराब कर दिया है। ये माहौल बिगाड़ना चाहती है, दंगा कराना चाहती है और दंगा फसाद करा करके वो सीट को जीतना चाहती है, लेकिन वर्तमान समय में देश का किसान, नौजवान, महिलाएं, मजदूर सभी लोग मन बना चुके हैं, हम भारत के संविधान की रक्षा करेंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, इन्हीं मुद्दों को लेकर के हमारी पार्टी चुनाव मैदान में जा रही है। बता दें कि यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिनमें कानपुर की सीसामऊ, प्रयागराज के फूलपुर, मैनपुर की करहल, मिर्जापुर की मंजवा, अंबेडकर नगर की कटहरी, गाजियाबाद सदर, अलीगढ़ की खैर, मुरादाबाद की कुंदरकी और मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट शामिल है। इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर मुकाबला करने की योजना बना रही है। सपा ने 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, इसमें पीडीए को वरीयता दी गई है। सपा के 4 और सीटें घोषित न करने के पीछे कांग्रेस के साथ गठबंधन की बात कही जा रही है, लेकिन कांग्रेस ने उपचुनाव में 5 सीटों की डिमांड कर रखी है। वहीं बीजेपी की योजना 10 में से 9 सीटों पर लड़ने की है और एक सीट सहयोगी दल राष्ट्रीय लोकदल के लिए छोड़ सकती है। इस चैनल को देखने के लिए आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।